तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का जो A52s वाला मॉडल है उसके अंदर एक नया अपडेट आया, या फिर बोल सकते हैं अक्टूबर का अपडेट वहाँ पर रोल आउट कर दिया गया है। इस अपडेट में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या सिक्योरिटी फेस चेंज हुआ है, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आप देखेंगे अगर सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा तो आपको ऊपर भी मिल जाएगा, ऊपर मैसेज आपको दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर अपडेट इज अवेलेबल। अगर वहाँ नहीं दिख रहा तो आपको नीचे जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट में। सॉफ्टवेयर अपडेट में जाने के बाद आपको डाउनलोड इंस्टॉल वाले ऑप्शन में जाकर इसको चेक कर लेना है। तो आप देखेंगे ये अपडेट रोल आउट हुआ है, जो कि आज ही के दिन रोल आउट हुआ था, जो कि 212 MB के समथिंग का ये अपडेट है। इसमें कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं किए गए, बट यहाँ पर बक्सेस फिक्सेस किए गए और कुछ इन्हांस इम्प्रूवमेंट की गई है और सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और सिक्योरिटी 1 अक्टूबर की यहाँ पर सिक्योरिटी को, तो यहाँ पर आप देखेंगे सिक्योरिटी को भी अपडेट कर दिया गया। अब सिंपली मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपको वापस वहीं जाना है और उसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे वो अपडेट पे चले जाएगा। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने मोबाइल को सॉफ्टवेयर अपडेट करें तो आपकी मोबाइल की बैटरी 50% के अबव होनी चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनली अब ये रीस्टार्ट हो चुका है। अपडेट होने के बाद नीचे आपको एक मैसेज आएगा, नॉक सिक्योरिटी एड अपडेटेड। तो आपको इसको यहाँ से अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद ऊपर की तरफ देखेंगे आपको एक, तो यहाँ पर आप अनलॉक करेंगे ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन दिख रही होगी कि योर अपडेट इज़ पेंडिंग, और साथ में आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा योर फ़ोन इज़ अपडेटेड। अपडेट होने के बाद आपको वापस जाना है यहाँ सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ जाएंगे अबाउट फ़ोन वाले ऑप्शन पे। अबाउट फ़ोन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर दिखेगा UI 4.1 है वहाँ पर, और भी कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए। नीचे देखेंगे 1 अक्टूबर की सिक्योरिटी अपडेट आपको लेटेस्ट मिल रही है। जैसे ही आप सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे वो आपको एक URL पे ले जाएगा। उस URL पे जाने के बाद आप वहाँ पर देखेंगे एक लिस्ट खुल जाएगी एंड्रॉयड की। वहाँ पर आपको अपने मोबाइल सैमसंग को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप वहाँ पर सैमसंग को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर सैमसंग की सिक्योरिटी अपडेट आपको बता देगा कि यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट आई है उसमें कुछ नए बक्सेस या फिर बोल सकते हैं नए कुछ वायरस हैं या कुछ हार्मफुल एक्टिविटी है जो कि मोबाइल को हार्म कर रही है, उसके लिए यहाँ पर मेज़र अपडेट किया गया, या बोल सकते हैं मेज़र उसको चेंजेस किए गए। तो आपको इसको अपडेट ज़रूर करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपकी सिक्योरिटी को मेज़र इम्प्रूवमेंट किए गए। कुछ अभी ऐसे कुछ बक्स या बोल सकते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटी चल रही हैं, क्रिटिकल एक्टिविटी, जो कि अपने मोबाइल को हार्म कर सकती हैं, जिसके लिए उन्होंने लेटेस्ट ये अपडेट रोल आउट किया गया। इतनी जल्दी ये रोल आउट इसलिए किया गया ताकि आपके लेटेस्ट जो भी एक्टिविटी है उसको बचा सके। और इसमें कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं किए गए, अगर आप जाके सेटिंग में देखेंगे ओवरऑल मेजर सेटिंग में मेजर चेंजिंग कुछ नहीं है। और ओवरऑल इसका जो एक्सपीरियंस है इसका चलाने का बहुत ही स्मूथ यहाँ पर चल रहा है, मतलब कि पहले भी ऐसे ही चलता था बट थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ। आप देख रहे होंगे मेरे मोबाइल की लगभग स्टोरेज फुल है, उसके बाद भी आप उसकी वर्किंग देखेंगे अच्छी खासी यहाँ पर वर्किंग चल रही है, टास्क एक्टिविटी भी चल रही है और उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेस्ट है। इसके बाद जैसा कि मैं हर अपडेट के बाद एक रिव्यू वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इस अपडेट में मेजरली क्या चेंजेस हुए हैं या कुछ बग्स फिक्सेस हुए हैं या नहीं हुए। और अगर आपको ऐसा एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा यहाँ पर, अगर आपको उसको हटाना है तो उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक पेज जनरेट होगा, वहाँ पर आपको करना क्या है कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड ऐप्स दिख जाएंगे, आपको सबको अनटिक कर देना है, बोल सकते हैं अनसेलेक्ट कर लेना है। और नीचे आपको फिनिश का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ही आप फिनिश पे करेंगे वो हट जाएगा और आपका ऊपर जाएगा और नोटिफिकेशन वहाँ से शो नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो मेरे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इंडिविजुअलिटी या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।